आई थिंक मैं मिथ्या uh, का हिस्सा हूँ इसका पूरा श्रेय जाता है गोल्डी uh, बहल well जी को वो शो के प्रोड्यूसर हैं उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बोला कि मैं ये शो बना रहा हूँ इसमें अप्लॉज और जी फाइव इन्वॉल्व हैं और uh, बहुत कमाल का शो है और रीमेक है uh, चीट करके एक शो है बीबीसी का बहुत ही पॉपुलर उसका और मैं चाहता हूँ कि ये कैरेक्टर आप करें तो उस वक्त पे मुझे लगा मैंने अभी महारानी किया है तो आई डेंट वॉन्ट टू डू अनदर सीरीज सो सोन बट ही वॉज रियली इंसिस्टेंट that आई वॉच द शो और uh, मैंने एपिसोड uh, जब पढ़े तो मुझे लगा कि नहीं नहीं ये तो बहुत ही अच्छा है और मुझे आई कॉन्ट लेट गो ऑफ दिस एंड आई थिंक हम लोग उसके बाद अब सीजन टू बना रहे हैं जो ओरिजिनल है उसका सीजन एक ही है तो आई थिंक हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि जो एडेप्टेसन है वो ओरिजिनल से बहुत आगे जा चुकी है काफ़ी चैलेंजिंग था आई थिंक सीजन वन जब सक्सेसफुल होता है तो प्रेशर आता है थोड़ा सा कि सीजन टू और भी बड़ा और भी बेहतर होना चाहिए mm -hmm. तो हम लोग सब लगे हुए थे कि अच्छा शो बनाए अवंतिका जी हैं मेरे साथ यहाँ पे आ, सीजन वन से मेरी एडवर्सरी मेरी हाफ सिस्टर मेरी स्टूडेंट और मेरी जानी दुश्मन सब कुछ आ, तो हमने बहुत बहुत कोशिश की कि हमारी जो परफॉर्मेंसेज हैं हमने जो काम किया उसे बेहतर काम करें और भी जो पुराने जो सबके पसंदीदा कैरेक्टर्स हैं वो सारे इसमें हैं जैसे इंद्रनील हैं इसमें रजत जी हैं और दूसरी अवंतिका जी हैं जो मेरी मदर का रोल प्ले कर रही हैं एंड ऑफ कोर्स वी हैव द न्यूस एडिशन मिस्टर नवीन हु हैज़ कम टू मिथ्या सीजन टू एंड यू नो ये अपना कुछ तड़का लेके आए हैं अपना करिज्मा लेके आए हैं और इस शो को और ज़्यादा हम सब ने मिल के एजी डार्क थ्रिलिंग बनाने की कोशिश नहीं नहीं ऐसा कोई डा वो नहीं है पता नहीं इन्हें डार्कर चैप्टर नाम क्यों रखा है मुझे बिल्कुल आइडिया <laughs> नहीं है जो हम जब शूट करें तो कोई डार्कर लाइटर का था नहीं uh, अगर सीजन वन जो है वो स्प्रिंग है या समर है तो सीज़न टू ऑटम और विंटर है आई थिंक थॉट ये थी तो हमारी जो स्टाइलिंग है शो की uh, जैसे पहली सीजन में आप कहते हैं मैंने बहुत पिंक्स और पीचेस और ऐसे कलर्स पहने तो पैलेट उसका काफ़ी सॉफ्ट था समरी था स्प्रिंग के कलर्स जो होते हैं वो था तो ये थोड़ा ऑटम विंटर में गया है क्योंकि अब स्टोरी और ज़्यादा यू नो सीरियस हो गई है गंभीर हो गई है uh, तो उसको दर्शाते हुए आई थिंक uh, दोनों ही मुश्किल होते हैं लाइटर डार्कर आई थिंक मेहनत उतनी ही लगती है बट सक्सेसफुल होनी चाहिए बस मैटर वो कर मिथ्या का मेरा कैरेक्टर जैसे कि ये कह रहा है डार्क चैप्टर आई थिंक थोड़ा डार्क uh, स्पेस में ही है ग्रे कह सकते हैं आप और आई आप काइंड ऑफ इंटैगनिस्ट है शो का और uh, बाकी हाँ इससे ज़्यादा तो मैं अभी कुछ बता नहीं सकता जैसे आप ट्रेलर में देख रहे हैं यू you नो know, कि मैं एक uh, एक्यूज़ कर रहा हूँ उमा के कैरेक्टर को जूही को तो उतना ही बता सकता हूँ मैं अभी अब वो वो आदमी सच है या वो कुछ षडयंत्र रच रहा है उसके लिए आई थिंक यू टू वॉच थिंक दैट वाज द बेस्ट पार्ट अबाउट इट मतलब मैंने जब पढ़ा था और जब सुना था मुझे बहुत अच्छा लगा था लेकिन मुझे शूट में और भी ज़्यादा मज़ा आया ऑफकोर्स uh, मेरे को एक्टर्स उसका बहुत बड़ा बड़ा कारण है स्पेशली वेरी गुड हुमा के सीन्स सात सीन्स में मुझे

करेक्ट आंसर सर बाबा कृष्णा बिष्ट बिष्ट कृष्णा कृष्णा वाज माय फेवरेट आल्सो इनफैक्ट मोस्ट माय फेवरेट सीन फ्रॉम द शो इज़ विद हिम यू हैव वहां तो हम बड़ा मजा आया लोकेशन का भी बहुत बड़ा रोल था मुझे ठंडी uh, जगह शूट कर रहे हो तो आपका मूड बहुत सही रहता है तो आई थिंक उसका भी बहुत बड़ा रोल था देखो तो मैंने तो बहुत ज़्यादा क्राइम शोज़ करे नहीं हैं तो hmm. मेरे लिए तो बहुत ही नया एक्सपीरियंस था और मैं एक्चुअली कोई चीज़ पिक करता हूँ तो ये सच में नहीं सोचता हूँ कि ये हाउ विल दिस बी रिसीव यू नो मैं यही देखता हूँ कि मुझे कितना मज़ा आएगा ये करने में तो आई थिंक एज लॉन्ग एज देर एंटरटेनिंग एंगेजिंग जॉनर से इतना फ़र्क नहीं पड़ता यार hmm. uh, अगर वो मज़ेदार हैं और तो क्राइम भी चलेगा रोमांस भी चलेगा कॉमेडी भी चलेगा तो हाँ आई डोंट थिंक इट मेक्स अ डिफरेंस आई थिंक रिया के दो पहलू है एक तो आ, वो प्यार चाहती है और एक्सेप्टेंस चाहती है अपनी फैमिली से सपोर्ट चाहती है और ये आ, एक लाइन पे हम लोग सब रिलेट कर सकते हैं क्योंकि लाइफ में हमें यही चाहिए पर आ, उसको उसकी ज़िंदगी में ये कभी नहीं मिला था तो उसे कोई सही रास्ता आ, दिखाने वाले कोई नहीं था तो उसका जो तक, तरीका है ये सब बताने का वो थोड़ा अजीब है अलग है और वही बहुत इंट्रीगिंग लगा मुझे एज़ अ कैरेक्टर और एज एक्टर ये प्ले करने के लिए ममा ने यही बोला कि uh, आप शिद्दत से काम करो uh, दिल और जान पूरा दे दो और uh, मज़ा करो बहुत इम्पोर्टेंट है टू हैव फन और वो मम्मा ने तो बोला पर मैंने हुमा से सीखा oh. <laughs>